इससे पहले की वीडियो में हमने वेबर के मॉडल को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम किसको डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस लॉस और स्मिथ और हूवर के मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉस ने लॉस के सिद्धांत में क्या क्या बातें हैं। लॉस का सिद्धांत, लॉस ने यह सिद्धांत कब दिया था? 1940 में अपना सिद्धांत दिया। इनकी एक बुक आई है, बुक आई थी, बुक का नाम क्या था? दी इकोनॉमिक्स लोकेशन, इनकी बुक का नाम है। और इनके विचार हैं किसके विपरीत रहे हैं? इनके विचार रहे हैं वेबर के विचारों के विपरीत, इनके विचार रहे हैं। और मान्यताओं की बात करें तो हम मांग शंकु का इन्होंने जिक्र किया है। मांग शंकु का कैसे कि मांग शंकु क्या होता है कि वह स्थान, स्थान का हमें वह स्थान चुनना चाहिए कि जहाँ पर क्या है आय और क्या है लागत का अंतर कितना होना चाहिए, आय वकर लागत वकर का अंतर कितना होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए न कि न्यूनतम होना चाहिए, उस स्थान पर उद्योग लगेगा। तो इस में मांग शंकु में इन्होंने यही बात की है कि उस स्थान को चुनिए जहाँ पर क्या रहेगा कि आय और व्यय में क्या होगा, व्यय वकर में अंतर कितना होगा, अधिक अंतर होगा, तो उस स्थान को चुनिए, वहाँ पर अपना उद्योग लगाए, ये बात इन्होंने की है। और जबकि वेबर ने क्या कहा था, न्यूनतम की बात कही थी, न्यूनतम अंतर। तो इस प्रकार से अभी सिद्धांत की मान्यता देख लेते हैं। सिद्धांत की मान्यता में क्या क्या मानता है, ये मानते हैं लॉस मानते हैं कि जनसंख्या का समान वितरण होता है, समान परिवहन सुविधाएं होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, अधिकतम लाभ चाहता है और उत्पादन स्थान अविष्टम संख्या में होते हैं। उपयुक्त स्थानों में उत्पादन को समान लाभ प्राप्त करने की संभावना न रहने, ऐसा तभी होता जब समान लाभ का अवसर मिलने ही प्रतिस्पर्धा हो जाती है। बाजार क्षेत्र की सीमा पर स्थित उपभोक्ता निकटतम उत्पादन में से ही क्रय करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर अगर ये तो थी मान्यता है, अभी बात करें तो हम बाजार क्षेत्र का आकार, बाजार क्षेत्र का आकार की बात करें तो इन्होंने कैसा बताया है। एक्चुअली में इनका सिद्धांत किसके लिए ही है, बाजार क्षेत्र के लिए। तो बाजार क्षेत्र के बारे में इन्होंने क्या बताया था, बाजार क्षेत्र का आकार, बाजार क्षेत्र का आकार किस प्रकार का बताया इन्होंने, षट्ष्ठ कोणीय या जिसका रूप कैसा होगा, जिसका प्रतिरूप कैसा होगा, मधु मक्खी, मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी आकृति होगी। और ये षट्कोण को की भुजाओं को हम क्या कहेंगे, जब क्या करते हैं हम इनको चारों ओर घुमाते हैं तो छह ऐसे सेक्टर होंगे जो कि किसी एक ही स्थान से उत्पादन प्राप्त करते होंगे इस प्रकार से। तो ये बाजार क्षेत्र के आकार के बारे में लॉस ने बात की है। इस प्रकार दूरी न्यूनतम होगी जिसमें परिवहन व्यय कम हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, षट्कोणीय होने पर भुजाएं क्या हो जाएगी, षट्कोणीय आकृति को जब घुमाया जाएगा तो क्या होगा, दूरी कम हो जाएगी और
ऐसे सेक्टर होंगे जो कि एक स्थान से क्या कर रहे होंगे, उत्पादन प्राप्त कर रहे होंगे, और क्या होगा परिवहन वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने कही है। आगे हम बात करें और जो 60 डिग्री कोण की जो बात की गई है वो भी लॉस ने की थी। अगर इस प्रकार का उद्योग से रिलेटेड कोई ट्रम आती है तो वो भी लॉस ने ही करी थी। तो लॉस के विचार क्या के हमने देख लिया किस प्रकार से होता है। मेनली इनके में तो क्या ही रहेगा, जैसे कब दिया था, 1940 में दिया था, और इनकी बुक का नाम पूछ सकते हैं। फिर इसके अलावा जैसे संकु इत्यादि की बात की गई है। इसके बाद हम बात करें, अगले हमारे आते हैं, अगला है हमारा डीएम समित का कौन सा है सिद्धांत, नाम देख लेते हैं सिद्धांत का क्या है। सीमांत अस्थिति विचारधारा, सीमांत अस्थिति विचारधारा डीएम समित का कौन सा मॉडल है या सिद्धांत है, सीमांत अवस्थिति विचारधारा। और इस विचारधारा में क्या कहते हैं वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे लिए ये जान लेना आवश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि कौन सी सन में दिया गया है, क्योंकि कई बार ये होता है कि सीक्वेंस भी आ जाता है कि पहले कौन और फिर उसके बाद कौन से राइटर आए हैं, कौन से राइटर ने अपना सिद्धांत दिया है। तो हमें सन इनकी देख लेनी चाहिए। तो सुमित ने अपना मॉडल कब दिया है, सुमित ने अपना मॉडल दिया है 1971 में, और बुक का नाम देख लेते हैं। बुक कौन सी है सुमित की, समित की बुक कौन सी है, बुक है इंडस्ट्रियल लोकेशन नाम इनकी बुक का। और उद्देश्य क्या था, उद्देश्य देख लेते हैं इनका, उद्देश्य क्या था सुमित का अपने सीमांत अवस्थिति सिद्धांत देने के पीछे। उद्देश्य वास्तविक जगत में औद्योगिक स्थल का चुनाव करते समय आर्थिक सीमाओं का निरूपण किया जा सके, क्या उद्देश्य था, वास्तविक जगत में औद्योगिक स्थल का चुनाव करते समय समय क्या उद्देश्य था,
क्या उद्देश्य था वास्तविक जगत में औद्योगिक स्थल का चुनाव करते समय औद्योगिक सीमाओं का ध्यान रखना या निरूपण सीमाओं का निरूपण किया जा सके, ये इनका उद्देश्य रहा कि वास्तविक जगत में क्या होना चाहिए, उद्योगों का स्थल का चुनाव करते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या आर्थिक सीमाओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये उनका उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार से हमने जैसा कि समिति के बारे में पढ़ा कि इनका उद्देश्य ये रहा है सीमाओं का ध्यान रखना या निरूपण करना आर्थिक सीमाओं का। फिर समित के सिद्धांत को हम निम्न रूप में देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया है, एक तो आय वक्र रेखा और क्या लागत वक्र रेखाओं का सहारा लिया है। क्या लिया इन्होंने, आय वक्र रेखा और आय वक्र रेखा और आय वक्र रेखा तथा लागत वक्र रेखा का क्या किया इन्होंने, सहारा लिया है, सहारा लिया है। यानी कि किस प्रकार से, मान लो ये स्थान है, ये इस प्रकार से हमें उद्योग के लिए कोई स्थान चुनना है तो क्या होगा, अगर हमारी ये वक्र रेखा क्या हो जाए, ये इस प्रकार से मान लो इस प्रकार से है, एक मतलब हम मान सकते हैं क्या हो जाए, यहाँ पर आय अत्यधिक हो रही है और लागत की रेखाएं आपस में एक दूसरे के इस प्रकार से काटती, तो वही स्थान क्या हो जाता है, वही स्थान क्या चुन लिया जाता है, उद्योगों की लोकेशन के लिए चुन लिया जाता है आय और वह वक्र रेखाओं का, आय और लागत वक्र रेखाओं का सहारा लिया है। फिर इन्होंने कहा है क्षेत्रीय लागत वक्र और क्षेत्रीय आय वक्र के तत्वों की अंतरक्रिया से ही उत्पादन स्थल का निर्धारण होगा, यानी कि उन दोनों की अंतरक्रियाएं आपसी क्या होगी, कि जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एक दूसरे के साथ उनको ही रख के हम क्या निर्धारण करेंगे, किसी भी स्थान पर कहाँ पर उद्योग लगाना है उसी को देखते हुए निर्धारण किया जाएगा। उद्योग उत्पादन का सर्वोत्तम स्थल वही होगा जहाँ कुल आय और कुल लागत की तुलना में अधिकतम होगी, यानी कि वहीं पर उद्योग लगाएंगे जहाँ क्या होगा, लागत से अधिक क्या होगी, आय होगी। इस प्रकार इनका सिद्धांत क्या है, लाभ के सिद्धांत पर, लाभ का के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार कारखाना उस स्थान पर होगा जहाँ पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। फिर है क्षेत्रीय, ये भी कहते हैं कि हमें क्या है, सीमांत की बात इन्होंने कह दी है, सीमाएं होती है, कोई आर्थिक सीमाएं होती है कि उसी स्थान पर लगाएंगे हम क्या होगा, जहाँ पर लागत कम होगी और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आय अधिकतम होगी। लेकिन क्या होता है, ये एक रीज़न है, ये हमने इसकी क्या ले ली, सीमा या सीमांकन कर लिया। लेकिन क्या होता है, इससे बाहर अगर कोई उद्योगपति क्या है कारखाना लगाना चाहे तो वो किस प्रकार से लगाएगा, क्या किस प्रकार से लगाएगा, क्षेत्रीय सीमा के बाहर कारखाना तभी लग सकता है जब
जब किसी कारण से लागत वक्रता की तीव्रता में कमी लाई जा सके। ये क्षेत्र हमने मान लिया, इसमें हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है, लागत से अधिक लाभ प्राप्त। जैसा कि हमने बात की है, अगर हमने ये सीमाएं मान ली है अधिकतम लाभ के लिए, अगर इससे बाहर कहीं जाके उद्योग लगाना है किसी उद्योगपति को, यहाँ पर उद्योग लगाना है, तो वो क्या करेगा कि अगर सीमांत से बाहर उद्योग लगाना है तो क्या किया जाए कि सुमित ने क्या बात कही है कि क्षेत्रीय सीमा के बाहर अगर कारखाना तभी लगेगा जब किसी कारण से लागत वक्रता में की तीव्रता में कमी लाई जा सके। कोई इसके अलावा अन्य फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिससे कि लागत में हम कमी कर सके, तभी क्या करेंगे उद्योग को किसी दूसरे स्थान पर सीमा से बाहर तभी लगा सकते, जब लागत में कुछ किसी रिसोर्सेज या किसी भी अन्य कारक के बेस पर, श्रम शक्ति इत्यादि के बेस पर हम क्या कर सके, लागत में कमी ला सके। ये बात कही गई है किसी वक्र जो है लागत तीव्रता की वक्रता, लागत वक्रता की तीव्रता में कमी लाई जा सके। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें, अगर कोई उद्योगपति लागत को किसी कारण भी लागत में कमी कर सकता है किसी भी तरीके से, तो आर्थिक सीमाओं के उससे दूर भी अपना कारखाना लगा सकता है। और दूसरा क्या है, किसी क्या करें कि कुछ चीज़ों को एकत्रित करके, मान लो यहाँ पर कोई उद्योग इस प्रकार से एकीकरण के कारण भी लागत में कमी लाई जा सकती है। समीत के बाजार प्रतिरूप सिद्धांत के अनुसार क्षेत्रीय मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों एवं औद्योगिक स्थान पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास किया। इस प्रकार हमारा समीत का भी सिद्धांत कंप्लीट होता है। अभी हम हूवर के विचारों को डिस्कस करेंगे। हूवर के बारे में जान लेते हैं। हूवर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत, हूवर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। इस सिद्धांत को कब दिया है हूवर ने? सबसे पहले हम बात करें 1948 में इसको दिया है सिद्धांत को हूवर ने। और बुक देख लेते हैं हूवर की, बुक का नाम देख लेते हैं, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इनकी बुक का नाम रहा है। और हूवर के विचार इस प्रकार से हैं, विचार में क्या किया, इन्होंने वेबर के विचारों में सुधार किया है और परिवहन लागत को अधिकतम वास्तविक रूप में अपनाया है। क्या किया इन्होंने, वेबर के विचारों में सुधार करके क्या किया है, परिवहन लागत को अधिक वास्तविक रूप में अपनाया है। तथा स्थानीकरण में उत्पादन लागत पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन प्रकार की लागत को बताया, इन्होंने तीन प्रकार की लागत बताई है। सबसे पहले वह लागत होती है नंबर एक पर कच्ची सामग्री, सबसे पहले
कच्ची सामग्री एकत्र करने की लागत होती है, फिर उत्पादन प्रक्रिया की लागत होती है, यानी कि कोई कच्चा माल प्राप्त करना वो लागत होती है, फिर उसको तैयार माल में परिवर्तित करते हैं वो लागत होती है, फिर तीसरे नंबर पर कौन सी लागत होती है, उत्पादन वस्तुओं को बाजार में पहुंचाने की यानी कि परिवहन की लागत होती है। उपयुक्त के बाद देखा जाता है कि वस्तु लागत दो प्रकार की होती है, तीनों को मिलाकर फिर हमने वस्तु पर लागत मानी दो प्रकार की। पहली लागत है परिवहन लागत, कच्चे सामग्री की प्लस उत्पादित वस्तु को बाजार में पहुंचाने की लागत है, दोनों को परिवहन में कर दिया, कच्चे माल की भी और उत्पादित वस्तुओं को बाजार में पहुंचाने की, दोनों को हमने इसमें शामिल कर दिया है। और फिर दूसरी है उत्पादन प्रक्रिया की लागत। अभी हम परिवहन लागत के बारे में बात करें तो परिवहन लागत था उद्योग का स्थानीकरण, उद्योग उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहाँ पर क्या होगा, एक से अधिक कच्ची सामग्री अथवा कई बाजार बिंदुओं के बीच परिवहन आवश्यक होते हैं। इसके लिए निम्न सिद्धांत लागू होता है, कारखाना वही लगाया जाएगा जहाँ न्यूनतम व्यय होगा। फिर दूसरा है हमारा, अगर अत्यधिक व्यय हो तो लोकेशन ऐसे जंक्शन पर होगी जहाँ क्या होगा, उद्योग का स्थानीकरण संभव हो। फिर है उत्पादन प्रक्रिया लागत तथा उपभोग का स्थानीकरण, कुछ उद्योग क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन लागत अथवा उत्पादन प्रक्रिया लागत की तुलना में परिवहन व्यय निम्न होता है। इस प्रकार से यानी कि ये तीन प्रकार की लागत को ध्यान में रखते हुए उद्योग की स्थापना करने को कह रहे हैं, जैसे कच्चे माल की लागत हो गई, फिर तैयार माल की जो है बाजार तक की लागत हो गई, और फिर क्या हो गई तीसरे प्रकार की क्या हो गई लागत, पहली हो गई कच्चे सामग्री की, फिर उत्पादन प्रक्रिया की, प्रक्रिया यानी कि बनने में, फिर उनको बाजार तक पहुंचाने में। इस प्रकार इन्होंने लागत को ध्यान में रखकर क्या कहा कि न्यूनतम लागत किस प्रकार से हम कर सकें, कोई भी उस स्थान पर हमारा जो है उद्योग स्थापित कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हमारे जो है, फिर कभी हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं, ये भी उद्योगों में कई बार मैचिंग वाले क्वेश्चंस में आ जाता है। ये अगला हमारा है, इसको डिटेल में फिर किसी दिन पढ़ेंगे, एलन प्रेड ने कौन सा मॉडल दिया है, व्यवहारवादी विचार, व्यवहारवादी विचार। यहाँ पर इतना ही जान लेना आवश्यक है कि व्यवहार की बात की गई है कि व्यवहारवादी मानव का अपना खुद का व्यवहार डिसाइड करेगा किसी भी उद्योगपति का, कि किस प्रकार से हमें कहाँ पर उद्योगों को लगाना है। इस प्रकार हमारी उद्योगों से रिलेटेड थ्योरी कंप्लीट होती है। अगर इसमें से आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।